कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश के महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की पढ़ाई और परीक्षाओं का कार्यक्रम पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। ऐसे में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी की बैठक के बाद अब महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 16 जुलाई से आयोजित की जाएंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसका वर्क प्लान तैयार कर लिया है और अगले सप्ताह परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी किया जाएगा। हालांकि हालात अभी भी अनिश्चित हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। हम लोग हमारा विश्वविद्यालय 16 जुलाई से परीक्षाएं कराए। पहले फेज में जो अंतिम वर्ष के परीक्षार्थी हैं वो एग्जाम देंगे, नॉन कॉलेजेट वाले बाद में एग्जाम कराए जाएंगे। और इसको इस सेंटर पे क्या व्यवस्थाएं की जानी चाहिए बच्चों की सुरक्षा के लिए, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर की सुरक्षा के लिए, वहाँ के कर्मियों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, इसके लिए विश्वविद्यालय ने एक सेफ कैंपस टास्क फोर्स बनाई है। 10 सदस्यीय समिति है जिसके कुल सचिव जो हैं उसके संयोजक हैं, 3 अलग अलग डॉक्टर्स जो हैं एलोपैथी आयुर्वेदिक होम्योपैथी के डॉक्टर्स में हैं, एक स्थानीय जनप्रतिनिधि शासन का प्रतिनिधि और हमारे टीचर्स लोग इसमें बनाए। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरकेएस धाकरे ने बताया कि उच्च शिक्षा मंत्री की बैठक के बाद ब्रज विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 16 जुलाई से आयोजित करने का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में स्नातक उत्तराद की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और द्वितीय चरण में स्वयं पाठी व अन्य परीक्षाएं होंगी। इसके लिए विश्वविद्यालय ने पूरा वर्क प्लान तैयार कर लिया है और अगले सप्ताह परीक्षाओं का टाइम टेबल भी जारी किया जाएगा। नहीं बदला परीक्षा का समय और प्रारूप। कुलपति प्रोफेसर आरकेएस धाकरे ने बताया कि परीक्षाएं पूर्व की भांति 3-3 घंटे की अवधि की होंगी और दिन में दो पारी में परीक्षा आयोजित होंगी। प्रश्न पत्र का प्रारूप भी पूर्व की भांति रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय ने इतना ही नहीं बल्कि परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने के लिए नए परीक्षा केंद्र गठित किए गए हैं। इसके तहत पहले के 50 परीक्षा केंद्रों को बढ़ाकर करीब 65 परीक्षा केंद्र कर दिए गए हैं। सेफ कैंपस टास्क फोर्स रखेगी सुरक्षा का ध्यान। कुलपति प्रोफेसर आरकेएस धाकरे ने बताया कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, सैनिटाइजेशन, मास्क की उपलब्धता एवं संक्रमण से बचाव के तमाम उपायों के लिए सेफ कैंपस टास्क फोर्स गठित की गई है। 10 सदस्य इस सेफ कैंपस टास्क फोर्स में कुल सचिव के साथ ही 3 चिकित्सक आयुर्वेदिक एलोपैथिक व होम्योपैथिक स्थानीय जनप्रतिनिधि व स्टाफ शामिल होगा। 5 किलोमीटर के होगा परीक्षा केंद्र। कुलपति प्रोफेसर आरकेएस धाकरे ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार परीक्षाओं में विद्यार्थियों के नजदीक से नजदीक परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने का प्रयास रहेगा। किसी भी विद्यार्थी को 5 किलोमीटर से दूर परीक्षा केंद्र नहीं मिलेगा। सभी को 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर ही परीक्षा केंद्र निश्चित किए जाएंगे। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय समेत प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं का सत्र इस बार बाधित हो गया है। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के अंतर्गत भरतपुर और धौलपुर जिलों के 163 महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित होनी हैं। एजुकेशन और करियर से रिलेटेड खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।